हाँ सभी को। और अब आज बच्चा में स्कूल में प्रोग्राम है तो मैं तैयार हो रही हूँ, तो आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो, आप देखते रहना सभी। और देखिए दोस्तों, ये अपनी वेशभूषा में तैयार होकर के आज बीकानेर के अंदर आपको पहली वेशभूषा मिलेगी ऐसी, क्योंकि मीणा कास्ट के बहुत कम लोग हैं, तो ये पूरी प्योर मीणी बन के आज उधर रविंद्र रंगमंच जाएगी और वहाँ पे प्रोग्राम अपना देखेगी। पसंद आई नहीं आई, और अभी तैयारी में लग रही है। ड्रेस आपको पसंद आई तो नहीं वो दिखाना, बताना आप जरूरी कमेंट करके, तो मैं फिर ले आऊंगी फिर करूंगी। सो कैसी लग रही है ये जरूर बताएं हमें। देखिए दोस्तों, एक लेडीज़ के जो नखरे होते हैं वो मतलब तैयारी में इतना समय लगा देती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि एक जेंट्स बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, लेडीज़ का पता नहीं भाई क्या क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, इनका कोई पता नहीं चलता। हाँ पैंट ही पहनना पड़ता है भैया, मैं तो और क्या तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं रविंद्र रंगमंच बीकानेर। वहाँ पे बच्चों का प्रोग्राम है, वैसे बेटी कॉलेज में आ चुकी है लेकिन उसका क्या है, आज उसको प्राइज वगैरह मिलेगी क्योंकि उसने बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम से 91+ मतलब 90+ अबव परसेंटेज बनाई थी, तो इसलिए उसको प्राइज दी जाएगी। और बच्चा उस स्कूल में पढ़ ही रहा है अभी, तो हम लोग आपको लेके चलते हैं उधर और दिखाएंगे आपको रविंद्र रंगमंच का नज़ारा। और इधर अभी मैडम के नखरे पूरे नहीं हो रहे भैया। अरे काय नखरा कर रहे थे साहब, बिंदु भी मैचिंग के लगाना। अच्छा बिंदु भी मैचिंग को लगाना पड़ता है ओके, कि बिना मैचिंग के लगा ले तो भाई यहाँ भी चक्कर पड़े थे दोस्तों कि बिंदी बिंदी सब मैचिंग की लगानी पड़ी थी भाई, लहंगा लुगड़ी इनका हिसाब से। अब सही लग रही थी भाई, मैचिंग बिंदी रखनी पड़ती है भाई, जिस ड्रेस वाले जैसी बिंदी रखनी पड़ती है। जिस ड्रेस जिस अब चूड़ों कौन फेरे, चूड़ों लेंगी, ये सूट फेरती पर मैं इन्हें बोले मेरा वाली ड्रेस आप ड्रेस फेरते हैं, फिर मैंने चेंज कर लिया तो अच्छी लग रही, उसको लग रही ये सूट को रख दिया, ये सूट है सूट को रख दी लंग लुगड़ी फेर कर लो चल चूड़ मार ले सेट पूरा दुकान में समा से चेंज कर ली हूँ चलो एक चप्पल फेर ली और भी रेडी में सुंदर लग रही थी को लग रही क्या कहते आपको सुंदर लग रही थी कौन। अरे भैया मैं तो वैसे भी सुंदर ही लगती है मैं लग रही है। देखो भैया कहीं अन्य रख रहे थे अपना आपको अच्छी कौन लुगड़ी लुगड़ी दूसरे तो स्टील कढ़ाई जब ठंड में उठ पैसा दे देते स्टील कढ़ाई लुगड़ी तुम्हारे लोग सुंदर लगता है मैं वो इधर रहा बैठा सर लुगड़ी इतना तो थोड़ा सा सही लग रही है ना चला बिल्कुल सही लग रही है। देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं रविंद्र रंगमंच और अभी अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, अभी मैं बाहर हूँ एक बार बच्चों को छोड़ने आया हूँ। देखिए लोग आ रहे हैं इधर अभी बहुत सारे, और ये PBM हॉस्पिटल का नज़ारा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नन्हे फूल तब महकते जब खुदा की नीली छत्तियां तनती है, इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। ले, 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 तेरी मिट्टी में मिल जावा
Thank you.
शानदार परफॉर्मेंस, एक बार और तालियां। देशभक्ति का जज्बा ऐसा है हम भारतीयों में कि कोई भी रोक नहीं सकता अपने आप को। सीआई साहब खुद उठकर आपने देखा, ये जज्बा है। ऐसे जज्बे को सलाम, और हर भारतीय में ये जज्बा होना चाहिए। इस डांस का जब सबसे पहले ये मेरी इच्छा थी कि ये सॉन्ग हो, मैंने बताया कई दिन चर्चा चली, 3-4 दिन इसमें सर कैसे एक्ट हो।